कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर SN कुरील। नमस्कार। चुनौतियों के बीच रास्ता निकाल लेना ही अपने आप में बड़ी सफलता है। मुश्किलों से घबराकर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना छोड़ देना समस्या का हल नहीं है, लगातार परिश्रम से मंजिल मिल ही जाती है। कोविड के कारण कई समस्याएं हो रही हैं, ऐसे में घबराइए नहीं, हिम्मत और हौसला रखिए, उम्मीदों का सूरज जरूर निकलेगा। कोविड-19 के प्रति आप सजग रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर SN कुरील। डॉक्टर कुरील, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पाया है, वो हमसे बहुत जल्द ही जुड़ेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और दूसरी लहर भी इस समय देश में कायम है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच ICMR की ओर से जो सीरो सर्वे करवाया गया था उसके नतीजे ये बताते हैं कि बड़ी तादाद में भारत में लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी पाई गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है, ऐसे में 67% लोग हैं जिनमें एंटीबॉडी पाई गई है, और जिन्होंने दोनों ही डोज वैक्सीन की ले ली है 80% से ज्यादा की तादाद में उन लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। 40 करोड़ जनसंख्या भारत की अब भी ऐसी है जिसमें कि एंटीबॉडी नहीं मिली है, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति देश का इस समय कोरोना से असुरक्षित है। ऐसे में आपको करना सिर्फ ये है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए और जहां भी जाइए सुरक्षित दूरी का पालन करिए। सुरक्षित दूरी का पालन करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर से मेट्रो या बस पकड़ने के लिए ई रिक्शा पर चढ़ते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, अगर आपके आसपास नजदीक में कोई व्यक्ति खड़ा है तो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लीजिए ताकि संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक रोका जा सके। ICMR ने यह भी कहा है कि बच्चों के स्कूल खोले जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ और भी ढेर सारे प्रश्न हैं जो हम अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर SN कुरील के साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर कुरील हमसे जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? लग रहा है कि डॉक्टर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ICMR ने कहा है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, और ICMR ने यह भी कहा है कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्यालय खोले जा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे अभिभावकों को ये लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वो मास्क कैसे पहन पाएंगे, वो उन चीजों का कैसे ध्यान रख पाएंगे जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके। ICMR का तर्क ये है कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उनमें संक्रमण का खतरा कम है, ऐसे में उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ लैंसेट जो एक स्वास्थ्य जर्नल है उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के ठीक होने के बाद बड़ी तादाद में लोग अपना ध्यान उस तरह से नहीं रख पा रहे हैं जैसा कि वो पहले रख पाते थे, यानी कि जब वो स्वस्थ थे तो अपना ध्यान बेहतर तरीके से रखते थे, लेकिन कोरोना के बाद कुछ न कुछ उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन हो जा रहा है, कमजोरी के कारण, थकान के कारण, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है जिस कारण वो उतने फुर्तीले नहीं रह जा रहे हैं, या किसी काम को करने का तरीका बदल जा रहा है, अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में घर वालों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब कोरोना शुरू हुआ उस समय जिस भी व्यक्ति को कोविड संक्रमण हो जाता था घर वाले और आसपास के लोग काफी डर जाते थे। समय के साथ इसमें परिवर्तन देखा गया है, लेकिन अब घर परिवार और आसपास के लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अगर आपके घर में या आसपास किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ है, 14 दिन बीत गए या 20 दिन बीत गए, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मोटिवेट किया जाए, सकारात्मक ऊर्जा उनमें भरी जाए ताकि वो वापस अपने रूटीन काम में लौट सके। कई बार
कोरोना के दौरान जब हम 14 दिन तक आइसोलेशन में रहते हैं, क्वारंटीन में रहते हैं, तो हम बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में घर वालों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। डॉक्टर एसएन कुरील से हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर कुरील, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तकनीकी कारणों से डॉक्टर कुरील से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि परिवार वालों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप उनसे बात करिए, जो उन्हें पसंद है उस पसंद के हिसाब से उन्हें भोजन दीजिए और ये एहसास नहीं होने दीजिए कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो समाज से कट गए थे। 14 दिन अलग रहना या 20 दिन अलग रहना इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर परिवार से कट गए, परिवार के जरूरी मसलों में उनकी भूमिका कम हो गई या फिर जो समाज में उनके दोस्त थे अब उनसे नहीं मिल सकते हैं, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, पहले जैसा समय नहीं बिता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना भी एक बीमारी है, अपने समय के साथ खत्म हो गई, आप स्वस्थ हो गए। हाँ, कोविड दिशा निर्देशों का पालन जरूर करिए, स्वस्थ होने के बाद भी मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए, लेकिन आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अपने आप को भी मोटिवेट करिए। जो भी लोग कोरोना से उबर रहे हैं, कोई समस्या है कोरोना से ठीक होने के बाद, तो पोस्ट कोविड केयर सेंटर बहुत सारे अस्पतालों में शुरू किए गए हैं। आप वहां जाइए, अपनी समस्या बताइए, चिकित्सक आपको उस हिसाब से दवाइयां देंगे, आपको कुछ व्यायाम बताएंगे, योग करिए, प्राणायाम करिए और आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे दोबारा उसी तरह का जीवन जीना है, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अपने आप को सकारात्मक आप खुद ही बना सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट ये भी कहती है कि कोरोना से ठीक होने के बाद मानसिक अवसाद से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी दुनिया खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोरोना से जंग जीत कर आए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आईसीएमआर का जो सीरो सर्वे आया है उसमें यह भी कहा गया है, और इस बार पहली बार बच्चों को भी उस सीरो सर्वे में शामिल किया गया है, उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई है कि 60% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। बच्चों के लिए इस समय भारत में कोई वैक्सीन नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं। दिल्ली के एम्स में भी बच्चों पर ट्रायल किए गए, दो वर्गों में ट्रायल किए गए, 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल किए गए, फिर 6 से 12 साल के बच्चों पर भी ट्रायल किए गए। देश भर के कई अस्पतालों पर बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल किए गए। बहुत जल्द उम्मीद है कि इसके नतीजे आएंगे और उसके बाद बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तब तक उन्हें संक्रमण से कैसे बचाएं? अभिभावकों को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कोरोना का टीका जरूर लेना है। अगर अभिभावक ने कोरोना वैक्सीन ले ली है तो एक खतरा तो कम हो जाता है कि अभिभावक से बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। टीका लगने के बाद भी बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन खतरा कम हो जाता है और जो लोग संक्रमित हो भी रहे हैं वो बहुत ज्यादा उनमें सीवियरिटी नहीं देखी जा रही है। तो सबसे पहले अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो टीका लगवाएं। दूसरे स्तर पर जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश का बेहतर भविष्य होने के नाते, उन्हें कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अगर वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जा रहे हैं या फिर अपने किसी जान पहचान वाले के यहां बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो वो भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साथ ही साथ सुरक्षित दूरी का पालन करें। लगातार संपर्क करने के बाद ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर एसएन कुरील के साथ हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर कुरील, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब के साथ चर्चा अब हम शुरू करेंगे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि
आप हमें फोन कर सकते हैं। आज के लिए हमारा फोन नंबर बदल गया है, हमारा नंबर ध्यान से सुन लें, 011-2342-1764, 2342-1230। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 011-2342-1764। एक और नंबर है 011-2342-1230। डॉक्टर साहब, हम यही चर्चा कर रहे थे कि आईसीएमआर ने कहा है कि संक्रमण जो इस समय मौजूद है भारत में और तीसरी लहर की संभावना है, उस बीच प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। अब बहुत सारे अभिभावकों को ये लग रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाएंगे, वो कोविड दिशा निर्देशों का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में आ गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सच्चाई ये है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जो सीरो सर्वे कराया गया है उसमें 2/3 से ज्यादा, 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2/3 से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। और फ्रांस की एक स्टडी है जिसमें कि बच्चे को कोरोना हुआ तो, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड थे और उसने किसी को संक्रमित भी नहीं किया। यही स्टडी ब्रिटेन की भी है और यही अमेरिका की भी है। तो स्कूल फेजेस मैनर में, यानी कि पहले, और इस पे आईसीएमआर की गाइडलाइन भी बिल्कुल क्लियर है कि पहले फेज में अगर प्राइमरी स्कूल खोला जाए, बच्चे भेजे जाएं, लेकिन उसकी शर्तें हैं कि जो वहां पे सपोर्टिंग स्टाफ है जी, जैसे कि स्कूल में है, वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, टीचर वैक्सीनेटेड होने चाहिए और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए प्राइमरी स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, राम कुमार जी हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी आपका। जी हेलो जी, पूछिए राम कुमार जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं मेरे बेटे को कुछ दिन पहले टीवी हो गया था जी। जी हेलो जी, कोरोना क्या बात है? उनको कोरोना हुआ था, ठीक होने के बाद फिर उनको टीवी हो गया। जी जी, तो उनके फेफड़े में पानी भर गया थोड़ा नीचे, तो डॉक्टर साहब क्या उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्या कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं उनको? जी डॉक्टर साहब, कोरोना की वैक्सीन जो है, आप अगर उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है और फेफड़े में पानी भर गया है तो उसको पहले आप टैप कराइए, फेफड़े का पानी निकलाइए और उसका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो फिर आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। कितने दिन के बाद लगवा सकते हैं? हाँ, अगर कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है और फेफड़े का पानी निकल गया है तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवा। पानी अभी है? हैं? पानी अभी है? पानी अगर पानी सुई डाल के नहीं निकाला गया है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वो नहीं है। एक्यूट फेज में तो है, लेकिन अगर एक्यूट फेज खत्म हो गया है और ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अमेरिका में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये खतरा है? ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दोनों टीके ले चुका हो, पहला डोज और दूसरा डोज जी, और उसमें जब ये इन्फेक्शन होता है कोरोना कोविड-19 का, तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं जी। और ज्यादातर मेजॉरिटी में ये इन्फेक्शन माइल्ड होता है जी, मामूली खांसी जुकाम की तरह होता है, या उसको कभी एक लगता है कि डायरिया सा हो गया है, उसमें गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि ये अपने आप में साबित करता है कि कोरोना वैक्सीन इफेक्टिव है और उसको लेने से अगर कोविड होता भी है तो लक्षण बिल्कुल कम होते हैं, माइल्ड होते हैं, सीवियर डिजीज बहुत कम, मिनिमम के बराबर देखने को मिली जी।
डॉक्टर साहब, आप खुद बच्चों के बहुत बड़े सर्जन हैं और देश भर में जितने भी अभिभावक हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, वो जब ये खबर देखते हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है तो बहुत डर से जाते हैं और माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी होते हैं। कोरोना जैसी महामारी जिसका कोई सटीक इलाज नहीं है, ऐसे में जो उनके मन का डर है उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या क्या सावधानी बरतें कि अगर कहीं तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी भी तो वो कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ये कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड हम बढ़ा दें जी, अभी आप देखिए 140 करोड़ के देश में दोनों डोज ले चुके पॉपुलेशन की संख्या बहुत कम है जी। तो कई बार ये होता है कि पंजीकरण खुलते ही स्लॉट्स फुल हो जाता है जी, कई बार ये होता है कि वैक्सीन नहीं आई है जी, कई बार। तो ऐसे में एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश मेजर ये सजेस्ट किया गया है जी कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को डबल स्पीड से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे लगा देना चाहिए जी, और वैक्सीनेशन के लिए जो पॉपुलेशन की एक्सेस है वो आसान होनी चाहिए जी। जो हमारी अपनी राय ये है जी, जैसे आप वोट डालने जाते हैं, आपने वोट डाला, उंगली पे निशान लगाया, बाहर निकल गए जी, उसी तरीके से आप वहां सेंटर पे जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, उंगली पे निशान लगवाइए, बाहर निकल जाइए जी। ये जो पंजीकरण होता है मोबाइल पे, स्लॉट फुल हो जाते हैं जी, तो उसमें स्पीड बहुत स्लो हो रही है वैक्सीनेशन की जी। हमें हर हालत में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है जी। तो अगर 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना भी कर पाए जी, और अगर जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है जी, उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले जी, तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, और जी जी, और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जी, जो बच्चों को घर पे जी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जी। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इवन 5 साल का बच्चा स्कूल जाने से पहले सब कुछ समझता है जी, ठीक है। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, जल्दी जल्दी हाथ धोना, मास्क लगाए रहना जी, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा बिल्कुल। और अभी जो बच्चों के लिए वैक्सीन अभी शुरुआती दौर में, परीक्षण के दौर में है जी, मैं समझता हूँ अगले कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए स्वच्छ वैक्सीन भी आ जाएगी, और तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। और बाकी अगर एडल्ट पॉपुलेशन भी अगर 2/3 वैक्सीनेशन ले लेती है तो तीसरी लहर अपने आप रुकेगी। बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र से सुधीर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुधीर जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। सर मेरा 14 अप्रैल को पॉजिटिव आया था जी, तो सर अभी भी मुझे तकलीफ होती है। हेलो। हाँ सर, अभी भी मुझे तकलीफ होती है सर। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, सवाल फिर से बोलिए। हेलो सुधीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं तो सुन पा रहा हूँ। सुधीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे थे कि बच्चों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, उन्हें भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें घर से शुरू होगी तमाम प्रयास, अभिभावक भी घर से टीचर बनेंगे जी कि ये कोरोना डिजीज है, इसको आपको ऐसे रोकना है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? बहुत सारे संस्थानों ने कहा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का प्रभाव ज्यादा होगा। आप बच्चों की बीमारियों का ही इलाज करते हैं और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कितनी तादाद में बच्चे प्रभावित हुए हैं, क्या कहेंगे आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से?
मैं यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ जी। और जो रोज यहाँ जो बच्चे भर्ती होते हैं कोरोना टेस्ट करा के आरटीपीसीआर और उनके पेरेंट भर्ती होते हैं जी। लेकिन तो उसमें क्या है कि अगर मुझे 100 केस नॉन कोविड बच्चे मिलते हैं तो एक या दो उसमें से कोरोना वाले बच्चे भी होते हैं जी। तो वो बच्चे जिनको कि ऑपरेशन की जरूरत होती है और कोरोना भी होता है उनको हम पीपीई किट पहन के अलग ओटी में ऑपरेशन करते हैं जी। कई बच्चों की जान ने बचाई थी जी। और तो आप ये समझिए कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों का जो अनुपात है वो बहुत कम है लेकिन खतरा तो है बिल्कुल। तो कम होने का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती जाए लापरवाही बढ़ती जाए जी। नहीं, उसकी ट्रेनिंग बच्चों की ट्रेनिंग घर से शुरू हो, अभिभावकों को टीका लगे, स्कूल के सपोर्ट स्टाफ टीचर जो उसको पानी पिलाता है सबको टीका लगे और स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो, बच्चा मास्क लगाए और बार बार फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग पे ट्रेन, सैनिटाइजर अगर साबुन से ना भी हो सके तो अल्कोहल बेस्ड 60% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है उससे सैनिटाइज करें बच्चे को। तो अभी तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमको तीसरी लहर से भी रोक सकता है और कोरोना से बच्चों को भी बचा सकता है जी। बिल्कुल। महेश शर्मा उत्तर प्रदेश के बड़ौत से जुड़ गए हैं। महेश जी स्वागत है जी। आपका नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्कार। हमने जो है पूरे परिवार ने दोनों डोज ले लिए हैं और अब हम आपके बताए नियमों का भी पालन कर रहे हैं जी। अगर तीसरी लहर आ जाए तो हम बच्चों को और खुद को कैसे बचाएंगे, बताने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। इस पर ही चर्चा कार्यक्रम में हो रही है महेश जी, और डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। आपने कोविड टीके की दोनों डोज ले ली है, आपके परिवार के सदस्यों ने भी ले ली है, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। डॉक्टर कुरील कुछ कहना चाहेंगे आप महेश जी को? देखिए परिवार में आपने दोनों डोज ले ली है तो परिवार में तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आपका बच्चा कोविड संक्रमण में आ जाए, लेकिन अगर स्कूल जाता है तो वहां पे किसी के जद में आने से हो सकता है और ग्रुप में खेलता है तो भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक ये 2/3 पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तब तक उसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देके और उसकी बिकॉज क्योंकि बचाव ही सावधानी है जी। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सावधानी बहुत जरूरी है, आपने वैक्सीन ले भी ली है तो भी सावधानी जरूर बरतिए। हरियाणा से महेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रेडियो की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी महेंद्र जी पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, मैं जींद से बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से जी। अरे एक तो ये बताओ जी आप, ये बीमारी प्राकृतिक है या कृत्रिम है, एक तो ये सवाल बताओ जी। और एक दूसरा ये है, मेरी घरवाली को कोरोना हो गया था जी, और हमने कोई पता नहीं लगा इस बात का, और जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आई जब पता लगा डॉक्टरों ने बताया भाई इसको तो कोरोना हो लिया जी। डॉक्टर साहब जो पहला सवाल है महेंद्र जी उस पर काफी शोध हो रहा है, दुनिया भर में ये शोध हो रहा है कि बीमारी ये आर्टिफिशियल है या प्राकृतिक है। देखिए अभी भी इसका सही सही जवाब ढूंढा नहीं जा सका है। जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर चाइना के वुहान प्रांत में सी फूड और उसमें वहां से ये वायरस आया जी। अब यही नहीं, ये एक ऐसा वायरस है जो अपने स्वरूप को अपने बदलने की क्षमता रखता है और इसीलिए इसके कई वेरिएंट अब मिल रहे हैं।
अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, तो ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये शायद नेचुरल वायरस से अलग एक वो है, पर इसका पक्का सबूत नहीं है। ये हुआ पहले सवाल का जवाब। दूसरा ये कि कोरोना वायरस करीब 95% से 97% लोगों में कोरोना वायरस होता है और उनकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता उसे हरा देती है और पता भी नहीं चलता। और जब बाद में आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चला कि आपके अंदर शरीर में तो एंटीबॉडी कोरोना की बन गई है, इसका मतलब कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार एंटीबॉडी बन गई है तो आपको दोबारा नहीं हो सकता है, फिर भी हो सकता है। क्यों? कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप एक वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए हैं तो दूसरा वेरिएंट आप पे आक्रमण नहीं करेगा जी। तो इसलिए उसके बाद भी आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क, बहुत जरूरी है मास्क, और सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल इसका पालन करते ही करते रहें। डॉक्टर साहब, आप ही के शहर लखनऊ से अजय कुमार जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मेरी उम्र 68 वर्ष है और मैं वैक्सीन लगवाने के लिए विचार कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नेचुरल एंटीबॉडीज मेरे अंदर है या कितनी है, तो इसके लिए मुझे आप निर्देश दीजिए कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिए। आप जो है बिना सोचे हुए वैक्सीन लगवा लीजिए। आप पहले वैक्सीन लगवा लीजिए, कहीं कोई उसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है जी। और आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे संक्षेप में? चलते चलते हम यही संदेश देंगे कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन लगवाते रहें और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और पब्लिक प्लेस पे मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि बचाव में ही सावधानी। जी बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर कुरील बता रहे थे कि टीका बहुत जरूरी है, कोविन ऐप पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए या बहुत सारे टीकाकरण केंद्रों पर ऑन साइट पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध है, टीका जरूर लीजिए, कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह को साबुन पानी से धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए। क्योंकि बार बार सरकार भी कह रही है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, सावधानी ही बचाव है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर SN कुरील। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।